नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर, YouTube के चैनल तथागत IAS एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम नागार्जुन कोंडा के इखाकू राजवंश के बारे में और चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नागार्जुन कोंडा में इक्ष्वाकु राजा चाटमूल के द्वारा जारी किया गया चौथी शताब्दी ईस्वी का संस्कृत अभिलेख दक्षिण भारत का सबसे प्रारंभिक संस्कृत अभिलेख माना जाता था, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को अभी हाल ही में सप्त मात्रका पंथ से संबंधित अभिलेखीय साक्ष्य मिला है, जो आज की तारीख में दक्षिण भारत में खोजा गया सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख है, जिसे सातवाहन शासक विजय ने लिखवाया था। इखाकू राजवंश के संस्थापक वशिष्ठी पुत्र चाटमूल या चामटामूल थे, जो सातवाहनों के जागीरदार थे और तीसरी शताब्दी के शुरुआत में अपने वर्चस्व में आ गए थे। ASI को इक्ष्वाकुओं का उल्लेख करने वाले दो शिलालेख मिले हैं, जो उनके पांचवें एवं तेरहवें कालवर्ष का वर्णन करते हैं। इन शिलालेखों के उत्तरार्ध में आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के एक छोटे से गांव केसनपल्ली के एक बौद्ध मठ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने खुद को इक्ष्वाकु राजवंश के संस्थापक के रूप में दर्ज कराया है। कुछ अभिलेख उन्हें शैव और अग्निहोत्रम और अश्वमेध सहित कई अवस्थाओं में संदर्भित करते हैं। चाटमूल की बेटी चमती श्री, जिसने धनक परिवार के महत्वपूर्ण सरदार, महासेनापति, महातलवर, दंडनायक खामद विशाक से विवाह किया था। राजा चाटमूल की चमताश्री नाम की एक बहन भी थी और उसका विवाह पुकिया परिवार के महातलवर स्कंदश्री से हुआ था। चाटमूल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र वीर पुरुषदत्त था, जो मथारी पुत्र भी कहलाता था। वीर पुरुषदत्त ने 250 से 275 ईस्वी तक शासन किया। इस दौरान इक्ष्वाकुओं ने अपनी शक्ति का विकास किया। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि वीर पुरुषदत्त ने अपने पिता की बहनों की तीन बेटियों और उज्जैन की एक राजकुमारी रुद्रधारा भट्टारिका से विवाह किया था, जो संभवतः पश्चिमी क्षत्रप की बेटी थी। शासक रुद्रसेन द्वितीय, जो 256 से 278 ईस्वी तक शासक रहे थे, उन्होंने अपनी राजधानी विजयपुर के एक शिलालेख में लिखवाया कि उन्होंने यहां सीथियन शक सैनिकों की एक चौकी को तैनात किया है, जो क्षत्रपों के साथ इक्ष्वाकुओं के जुड़ाव को और मजबूत करता है। बदले में उनकी बेटी कोड बलिश्री का विवाह वनवासी के चालुक्यों के पूर्ववर्ती वनवासी के चुटुवंश में हुआ था। वनवासी वर्तमान में कर्नाटक को कहा जाता है। इन गठजोड़ों ने उन्हें और इक्ष्वाकुओं को स्थानीय और उत्तर में मजबूत किया, जिससे उन्हें भारत के पश्चिमी तट पर भारत रोमन व्यापार तक पहुंच प्राप्त हुई। दिलचस्प बात यह है कि हालांकि राजशाही शैव थी और वीर पुरुषदत्त कार्तिकेय के भक्त थे, ऐसा कुछ सिक्कों से प्रकट भी होता है, लेकिन शाही परिवार की कई राजकुमारियां और रानियां बौद्ध धर्म की महान संरक्षक थी, जो इस क्षेत्र में इक्ष्वाकु साम्राज्य की स्थापना से कम 500 साल पहले से प्रचलित था। चाटमूल या चमटामूल की बहन चमताश्री, जो एक धर्मनिष्ठ बौद्ध थी, उन्होंने तीसरी शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में वीर पुरुषदत्त के छठे शासकीय वर्ष के दौरान नागार्जुन कोंडा में भगवान गौतम बुद्ध के दांत के अवशेष पर
एक महास्तूप के निर्माण के लिए उदार दान दिया। माना जाता है कि भगवान बुद्ध के इस दांत के अवशेष को महान मौर्य सम्राट अशोक ने 269 से 232 ईसा पूर्व के मध्य में महादेव नामक एक बौद्ध भिक्षु को दल के साथ इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए दांत के अवशेष को भेजा था। वीर पुरुषदत्त के शासनकाल के दौरान शाही महिलाओं और आम लोगों के द्वारा बौद्ध स्मारकों के निर्माण के लिए 8 ज्ञात शिलालेख हैं। यह बड़ी ही दिलचस्प बात है कि जहां शाही परिवारों के पुरुष और दरबारी अधिकारी आम तौर पर मंदिरों को दान देते हुए तो प्रतीत होते हैं, वहीं महिलाएं बौद्ध धर्म की प्रमुख दानदाता साबित होती हैं। तो दोस्तों, इखाकू राजवंश के बारे में अपने अगले वीडियो में कुछ और तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।